नमस्ते। लॉकडाउन के कुछ फायदे भी है। लॉकडाउन के बाद आपने देखा होगा, आपकी सुबह बदल गई और शाम भी बदल गई होगी। आप जिस तरह से अपना समय बिताते हैं वो भी बदल गया होगा। सुबह पहले के मुकाबले ज़्यादा आपको मनमोहक लगती होगी। चिड़िया के चहचहाट की, चहकने की आवाज़ आती होगी। अब इससे पहले बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में सुबह उठते थे, गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न की आवाज़ के साथ आँख खुलती थी, लेकिन अब चिड़ियों की चहचहाट के साथ आँख खुलती है। देश के शहरों में वायु प्रदूषण कम हो गया। अब आपको अपने शहर में आसमान नीला दिखता होगा। अब इस लॉकडाउन में जैसे शहरों पर इतना वायु प्रदूषण कम हो गया है जैसे शहरों को सैनिटाइज कर दिया हो, लेकिन पब्लिक पर लॉकडाउन का असर कम दिखाई पड़ रहा है। प्रकृति हमेशा नियमों का पालन करती है। जैसे सूर्य हमेशा समय पर उगता है, समय पर ही छिपता है, और चंद्रमा समय पर ही निकलता है। मौसम का भी आने जाने का समय तय है, लेकिन इंसान जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो इंसान तो समस्या खड़ी हो जाती है। इस महामारी का दौर भी हमारे अनुशासन की परीक्षा ले रहा है। इस वायरस ने हमें नियमों का महत्व सिखाया है और बताया है कि जब हम अनुशासन नहीं मानते हैं तो नतीजा बहुत डरावना होता है। लेकिन बावजूद हमारे देश में नियमों की कोई परवाह नहीं है। अनुशासन आज भी उनके लिए एक पहेली की तरह है। कोरोना वायरस को हराने का सबसे बड़ा तरीका भी संकल्प और अनुशासन ही है। और जिन लोगों के पास अनुशासन की कमी है वो सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की जान के लिए भी खतरा है। भारत में धर्म की दृष्टि में मृत्यु को जीवन का एक अंग माना गया है और कहा गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह अमर रहती है। सिर्फ शरीर बदलती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं आप अपनी जान दांव पर लगा दे। ये मान ले कि मौत तो एक दिन आनी है, पर अपने साथ साथ पूरे समाज को संकट में डाल दे। उदाहरण के लिए हमारे देश में लोग हेलमेट अपनी जान के लिए नहीं पहनते बल्कि चालान बचाने के लिए पहनते हैं। यानी लोगों के लिए हमेशा से ही जान से बढ़कर चालान ही रहा है। अनुशासन की कमी की वजह से भारत के लोग गलत दिशा में वाहन चलाते हैं, रॉन्ग साइड से आते हैं, रेड लाइट का जंप लगाते हैं, सड़क पर नियमों का उल्लंघन करते हैं और पकड़े जाने पर जान पहचान करके बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस जैसे बीमारी ने पकड़ लिया तो ये कहकर बच नहीं पाएंगे कि आपकी पहचान बड़े बड़े लोगों से है, और आप नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो बोलते हैं कि 5 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन बीमारी की पकड़ में आने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। इसलिए नियमों का सम्मान कीजिए। प्रकृति के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। हमें प्रकृति का अनुशासन का पाठ सीखना होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई गलती हो तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। जय हिंद।